इनको पता है जो डॉक्टर मरीज को देते हैं भाई तुम वहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओगे। जाओगे तो मैं मेरी इच्छा से जीऊँ तो कलयुग में है कि भयंकर बीमारी आओगी जो डॉक्टर का इलाज कौन है। या खीर ही बोला ना दवाई को नहीं कहीं सी बंदी जे भी देखा था। हाँ मैं अभी लोकेशन पर खड़ा था नीम का थाना सू कोटपुतली रोड से कोटपुतली दारी से या बलेसर जाए जे अड़े सू 2 किलोमीटर आगे बलेसर से जड़े बार घुसरी की डाणी से जिसके मायने पीलिया की देसी दवाई दी जाए थे। तो अब आप भी डाणी में चला था और बड़े देखा कि कहीं से दवाई बनाई जाए थे और के दवाई में पाऊँ छे तो चलो अब आगे चला। राम राम, मैं राजेश वाजिया अपना लिमका थाना पर थारो घणो घणो स्वागत करू छू। और जो पूछले जो स्थान दिख रहे जे भी स्थान पर आपा आयडा है तो इस स्थान पर चलांगा भी और अलग अलग लोगा सु और अड़े का जो पुजारी जी ई गांव का निवासी जी बस बाबा बात करांगा और अठे भाग का दूर दूर से पिछान दिख रहे होंगे लोग आयडा जी कोई कोटपुतली सु कोई हरियाणा सु कोई गुड़गांव सु कोई अलवर सु कोई थोई सु कोई पंजाब सु अलग अलग आदमी आयडा जी तो आदमी से बाबा बात करांगा कोटपुतली सु आए जो तो की हो रही तुम्हारी। अच्छा कटरा समय सु है तो डॉक्टर ने दिखाई जाएगी तो अड़े के लिए कौन बताया इस स्थान के लिए तो पहली बार आया जो या दूसरी तीसरी बार। ये नाम था कौन सा गांव से आया जयपुर से आया तो पहले भी कोई खराब आए थे कोई बढ़िया सु बीमारी राम राम कतरा समझ पीढ़ी एक मनो वो तो अब दूसरी बार पी रहे जो आज काल आया जा तो थाने कौन बताए हो कि नींद का थाना का मैंने चला जा तो बाकी पहले फायदे ही होगे काल का आया जो ये देखो पीलिया की जब दवाई बने जे या खीर ही बोला ना दवाई को नहीं कहीं सी बन दी जे भी देखागा ये खीर छे ये थाली के ऊपर खीर चढ़ारा कीजिए और आकड़ा की लकड़ी सुई तैयार हो जाए आकड़ा की लकड़ी सुई ने पूरा घुमाओ जे और गाय को दूध छे और इसमें चावल डाल और खीर बनाई जाए जी या खीर है यह एक स्पेशल दवाई जे जो प्रेमदास जी महाराज की जा अनुकंपा जे ये वजह से हरी जे और अड़े दूर दूर से लोग इन्हें पीबा हो जी हर खुद को और जी पी लियो। अच्छा लीवर में दिक्कत आ रही जे। अच्छा तो थाने कौन बताया इस स्थान के बारे में कि आराम आओ जे आसपास का लोग जा रहे हैं। अच्छा तारा आसपास कौन सा गांव जे थारो थोई कने जे तब बे आर गए जब आगे आराम आए जोगे आराम आगो आगे अच्छा बे बताए माने के सच मैं बैठ जाओ दिल की बीमारी हो इलाज है इसको राम राम साहब कौन सा गांव से आए हो चोंदा गांव से साहब जहां प्रेम जी का स्थान है। अच्छा महाराज जी स्थान दिक्कत की हो रही है दिक्कत मेरी वाइफ को हुई। अच्छा कितने साल से कितने साल से के या 15-20 दिन से दिक्कत। अच्छा 15 दिन से दवाई चल रही जी कड़ेगी। हां दवाई चल रही। अच्छा 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 झुंझुनो संतोष दाता जी संतोष दाता जी। अच्छा अच्छा लेकिन बोला कि साहब खीर खाओ कोई दिक्कत नहीं खाना खीर खाओ। हां खीर खावा में अगर इलाज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बाकी बहुत सा लोग खा के गया है पीछे पुनिया क्षेत्र से बहुत सा लोग खा गए। अच्छा आराम आयो मांगे बिल्कुल आराम आयो देखो प्रसाद बांटो जा रही है ये रखा बाबा दो बाबा जी का बाबा का तो आराम आए जी की उम्र में ज्यादा है लेकिन बाबा जी दो खा रहे थे।
रोटी खाई पहली कितनी खाए जो पहली रोटी कितनी खाए जो और काल खीर खाया बाद में कतरो आराम आयो अच्छा अच्छा मतलब काल तो भूख खाई सते काल रोटी कौन खाई थी तो आज पेट भर वाला मतलब भूख लाग वाला की भूख तो लागी खीर खा ली ना अच्छा खीर खा ली ना आराम से लाग वाला को आराम से तो हाथ पैर में भी अच्छा काल गाल मिर्ची लाग रही थी उबाक से आ रही थी आज अब खीर खा लिए तो थोड़ा सा आराम आयो काल से आराम आ गया अच्छा काल से आराम आ गया काल से आराम आ गया आज बात करांगा अगर बाबा जी के साथ साथ जे बताऊंगा कि यो वरदान कहीं से मिलियो कैडे सो आया जा महाराज जी कुण जा बागवारा में असो भी बात करांगा अभी हाँ साहब ये महाराज जी मतलब आपने थाना का जी कन डेरा बामण वाद बड़े भी बामणा ने ये भाव को झाड़ो बताया तो अब बड़े के थे पीछा ले बलागा फिर बड़े से चालिया तो मांझू कोट आगा मांझू कोट बामणा ने पल्ला की घूमड़िया को मतलब झाड़ो बताया तो वह पीछा ले बला फिर आगा बाबा जी रायपुर जो अडिट हो जाए जो पिछाड़ी आपने फोड़ो कौन थी कने बढ़िया हथियार का इनाम से राजपूतन दे दिया वो मात्र दो पिसा को बताया जो आज भी वहाँ को जो झाड़ो चाल रही फिर आया बाबा जी मारे एंडे एंडे सिल्क ऊपर लेट का लेट दूनों चे मतलब माउस की रात जगह रहा जा जो सारा बड़का बूढ़ा माए ने जा तो माउस की रात जगह जो बाबा जी आगो एंडे सिला के ऊपर लेट गा जब बाबा जी बोला रहे निकलो बाहर कई आड़ू भी जा कई समझदार भी जा तो बाबा जी आगो जना बाबा जी कन चलेगा बाबा जी ने एक दो तय बोले भाई नार वगैरह खा जाएंगे महाराज तू जा तेरे गए लला कौन गया बाबा जी लेट गया सिला के ऊपर फिर गांव का अरे मतलब बड़का बूढ़ा बाबा जी ने संभाले संभाले जना तीन दिन वो रुकया तीन दिन रुकया जद बोलिया कहे ये पातड़ी पैर रह गया था गला में जो पातड़ी ले सबकी धूणा में जोक दीप धूणा में जो कर बोलिया कहे आज से थार इतर पितर कोई लागू को नहीं और थे यो जाति टाइम बोलिया कहे मैं थाने एक वरदान देर जाऊँ पहले तो बोलिया मांगो कुछ मांगड़ो जो जहाँ बोला आदमी था बोलिया महाराज सब ठाट बाट थी अरे कहते ले लो कहते ठाट से बोलिया कहते ले लो कहते महाराज ठाट से कहते जाओ कहते मैं मेरी इच्छा से जीऊँ तो कलयुग में है कि भयंकर बीमारी आओगी जो डॉक्टर कन इलाज कौन हो गाय को दूध आंकड़ा की लकड़ी कांची की थाली डाई तार का थाली का प्लेट जा रहा अपने नाम से खीर खुआ दिया खीर खुआ मरीज ठीक हो जाए और जो काम चलते रहो बड़ो ना 500 वर्ष होगा दर पीढ़ी दर हो चाल रो हाँ तो बाबा जी अभी थे बताया कि महाराज जी अलग अलग जगह सोया तो ये गांव का मान है या तो ढाणी जे अभी थे मान दिखाओ कि पहले जब आया जा लोग कहीं से के रिया जा गाँव का महीने और अब आप देखेंगे कि ये जो गांव है भूषणी का महीने खंडर है और मारसुआर बसेड़ा जे पूरो गांव ईमर है तो पूरो यहाँ ये ऊपर दो छत्ती तीन छत्ती यहाँ का मकान था मतलब पूरो गांव रहते फिर धीरे 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 सब बाहर कोई बना लियो जिया मान लियो कि चल तो गयो बना लिया और अभी वो बाबा जी को बढ़िया काम था इनसे मारी रोजी रोटी चाल रही या कोई खीर खा गो दिल्ली खा गो बम्बई खा गो गुजरात खा गो कतब भी खा जा ऑल इंडिया में सा आदमी आओ जाए मारी रोजी रोटी सब बाया की चाल रही मूर्ति को काम करेंगे मूर्ति बना ले जाएंगे रोजी रोटी चाल जाए तो यह जो खंडर दिख रहे जे वो ये पुराणु गांव जो घुसड़ी और एक मायन जे सारा लोग रह रहे हैं ब्राह्मण जाति का जे आने महाराज जी को भी जे बाबा जी बताया आने वरदान मिल रहे जे और एकदम निःशुल्क अड़े उपचार करे जे इलाज करे जे और बी के वजह से अड़े बार बार का लोग आ रहे जे कोई जयपुर बम्बई दिल्ली बाहर का लोग भाई आऊँ जी अभी महाराज जी की जो आया जा प्रेमदास जी महाराज जाकी समाधि जी जेड़े आर शिला पर सोया जा बाद शिला देखांगा मेरे ऊपर बाबा जी बताऊं जी कि निशान भी हो रहा जी अमावस की अमावस्या की रात ना 1000 बजे सोया जा दो हजार शिला है जी शिला पर गौर कर देखो शिला के ऊपर चिन्ह चपूर चिन्ह चपूर ये या जा दो दिख रही है निशान शिला इस पर देखो ते सब गौर सु इसके ऊपर महाराज जी सोया जा अमावस्या की रात में और इस पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ रहे हैं जो एक अद्भुत नजारो है और इसके वजह से आया जा रात ना बोलिया
फिर बाद में गया ढसे दे बरदान और अपने ये तोंदा बागड़वा से खेत ली तहसील के माए तोंदा बागड़वा से बड़े ज्यादा थमागा अड़े मारो कुल देवता थे और दूसरी बात बड़े खातुदास माने बड़े इनका चरण पादू का पूज गए खेतड़ी में भी ऐसी बात महाराज जी गया बड़े बता रहे जी कि बड़े भी आगे चरण पादू का पूज रहे जी और हर जात हर धर्म का अड़े आदमी आऊँ जी जाने कई बीमारी का इलाज हो रही है और अभी बाबा जी बता रहे थे कि डॉक्टर के बारे में बता रहे थे कि डॉक्टर भी हूँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आते हैं या कई जिनको पता है जो डॉक्टर मरीज को भी देते हैं भाई तुम वहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओ अच्छा बाबा जी बता रहे थे कि अरे डॉक्टर भी हूँ जी और मरीजा ने कई डॉक्टर अड़े भेजी थे कि दवाई तो चल रही के साथ अगर अड्डा को आशीर्वाद मिल जाए अड्डा की दवाई को 100 रुपये तो एकदम यहाँ मतलब आने के बाद में 100% मरीज ठीक होकर जाता है वो क्या पाई में डाल के लाते हैं वो अपने दोस्त के बाद में पैदल करके जाता है कांची की थाली में खीर बना के खिलाई जाती है आकड़े की लकड़ी से रोलते हैं आकड़े की लकड़ी को ही मतलब गलाते हैं आकड़े के पत्ते पे ही खिलाते आज या अभी पीलिया की रिपोर्टिंग जी का खीर खा रहे जी वो वीडियो अगर थाने अच्छो लागो तो ये वीडियो ने शेयर कर जो और ही महाराज चैनल ने अपना नीम का थाना ने सब्सक्राइब कर जो जिसु के है कि लोग तक ये बात को मैसेज पूछे दूर दूर तक बात या जाए और लोग आसानी से इलाज हुए एकदम आयुर्वेदिक इलाज है